साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सोक चौधरी। साथियों आज एक न्यूज़ मेरे पास आई है, आज के अखबार में भी आई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हालांकि इस न्यूज़ का मतलब अलग अलग लोग निकाल लेते हैं, कोई बोलते हैं गलत न्यूज़ डाली, कोई बोलते हैं सही डाली, समझ रहे हो। तो ये न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुबई जाना चाहते हैं, जो दुबई में वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको सही गाइडेंस देना है, इंक्वायरी देना है, ताकि अगर आप वीडियो देख के कुछ लोगों को नॉलेज होता है कोई भी कंट्री से, नियम से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, तो उनको फ़ायदा बेनिफिट हो सकता है, भविष्य में दिक्कत और परेशानी ना हो। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो बहुत ही दुखदायक है वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि किसी आदमी का दूसरी कंट्री में मर्डर हो जाना, अपन मर्डर ही बोलेंगे उनको, वहाँ की गवर्नमेंट की नज़र में उनको कानूनन सज़ा देना होता है। लेकिन अब एक्चुअल में हुआ क्या कि सऊदी में पंजाब का कोई बंदा था। इस न्यूज़ का सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने मोटिवेशन के लिए बताया है कि जो लोग गलत जाते हैं, सऊदी जाते हैं, वो नियमों की सही पालना करें। अगर गलत करोगे तो भैया सीधी मौत है, सज़ा वहाँ पे होती है। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, 5-7 दिन पहले भी डाला था, आज भी दोबारा डाल रहा हूँ प्रैक्टिकल के तौर पर। इस वीडियो को गलत ना लें, सिर्फ और सिर्फ सही गाइडेंस के तौर पर लें। इनको इतना ही सोचें कि यार अपन भी कुछ गलत नहीं करें, ताकि इस परिस्थिति को सामना करना पड़े, कई घर वाले ढूंढते रह जाएं और आपको वहाँ पर सर कलम कर दिया जाए। जी हाँ साथियों, आज की न्यूज़ आई है 28 फरवरी 2019 की न्यूज़ है ये। पंजाब के दो बंदे सऊदी गए हुए थे, दोनों ने कुछ क्या किया इसका न्यूज़ नहीं आई अभी तक, कुछ उन्होंने गलत किया। ठीक है साथियों, और वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट ने, आपको पता ही है सऊदी गवर्नमेंट का रूल क्या है, वहाँ पे शरिया कानून है, ऑन द स्पॉट गर्दन उड़ा दी जाती है हर फ्राइडे को। मैंने वीडियो में पहले भी बताया, और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। पंजाब के दो बंदे थे, वहाँ पे जॉब के लिए गए थे। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता इस बात का। दोनों को 28 फरवरी को फांसी यानी सिर कलम कर दिया गया उनका। जी हाँ साथियों, और बड़ी समस्या की बात यह है कि घर वालों को सूचना तक नहीं दी गई। अब घर वाले ये सोचते रहे कि यार पता नहीं कहाँ बंदे फंस गए, किसी कंपनी ने फंसा लिए, या फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। घर वालों के पास कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। अब एजेंट के थ्रू भेजा, उनको कांटेक्ट किया, तो एजेंट भैया क्या कर सकता है इसमें। ठीक है, उनको पता ही नहीं लगा कि बंदे हैं कहाँ पे। फिर हाई कोर्ट में उन्होंने अपील लगाई, हाई कोर्ट ने फिर वहाँ की इमिग्रेशन में पता किया, एम्बेसी में पता किया, तब जाके पता लगा कि उनको तो 28 फरवरी को सिर कलम ही हो गया उनका। कितनी दुखदायी की न्यूज़ है, घर वाले ढूंढते फिर रहे हैं जबकि वो 2-3 महीने पहले मारे जा चुके, उनका शव दफन हो गया, पता ही नहीं लगा बंदे कहाँ गए। और वहाँ की गवर्नमेंट इतनी बेकार, वहाँ का सिस्टम है कि घर वालों को सूचना तक नहीं दी गई, पकड़ा फ्राइडे को सिर कलम कर दिया, मैटर क्लाज। ठीक है, अब ऐसे वहाँ के सऊदी के नियम है। तो ये वीडियो डराने के लिए नहीं बनाया मैंने, वीडियो डराने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ आपको सही बताने के लिए किया कि भाई अगर आप सऊदी जाना चाह रहे हैं या फिर सऊदी में जॉब करते हैं, तो सऊदी का नियम लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान रखें, कोई गलती ना करें। चोरी का भी वहाँ बहुत बड़ा दंड मिलता है, चोरी के बदले भी हाथ काट देते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आपका काम है जिस कंपनी में गए हो जॉब करें, वापस रूम आए, फ्राइडे को छुट्टी होती है, घूमे फिरे, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये चीज़ जो सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, बाकी मेरा इसकी कोई मंशा नहीं थी। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। मैं बार बार हर बार भी बोलता हूँ, सऊदी का नियम सबसे हार्ड है, और कंट्री में गलत करोगे तो कुछ न कुछ हो सकता है, सज़ा हो जाए, वापस इंडिया आ सकते हो। सऊदी में गलत करोगे तो इंडिया नहीं आ सकते भाई। मेरे गाँव के लोगों को भी आज से 15-20 साल पहले 2 लोगों का सिर कलम हो चुका है। ठीक है, और ये न्यूज़ आज की है, मैं अखबार में कटिंग साथ में रखूंगा, आप पढ़ भी लेना इसको। तो ठीक है साथियों, इतनी न्यूज़ थी इसमें। जय हिंद।